ये चेकनेट वगैरह, ये ट्राली के, ये भी बाजार से आपको ये 500 का मिलता है, ये आपको इधर से 100 का, कोई 50 का, कोई ड्राई करने के लिए जो नॉर्मल लोग उनके आगे वेल्ड कर लेते हैं। अगर नया लेते हैं तो 1,35,000 का, इसमें अगर पुराना ये लेते हैं तो 20,000। ये ट्रैक्टर की बैक साइड पे लगता है, उसके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे तो हमें फिर 50% तक कीमतें मिल रही हैं आपसे, अगर देखा जाए मिनिमम 40-50 इतना चल रहा है। कंट्रोल वाल्व होता है मट्टी को मूविंग के लिए, उधर यूज होता है, या ऑयल को साफ रखेंगे लाइफ टाइम चलता रहता है। गारंटी होती है, जो गारंटी वाला माल होता है वही हम सेल करते हैं। जक होते हैं, इसमें हर साइज मिलता है, ठीक है, उसमें जो है ना टोटल हमारे पास इनके स्पेयर पार्ट्स। अस्सलाम वालेकुम, एयर पाकिस्तान एहसान हमीद आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब इस वक्त मैं मौजूद हूँ चुंगी नंबर 14 मुल्तान में। आपको पता है कि हमेशा ही मैं एग्रीकल्चर या ट्रैक्टर के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ, इसके पार्ट्स के रिलेटेड। अगर लाहौर की बात करूँ, कराची की बात करूँ, तो आज मैं मुल्तान में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक इंपोर्टर के पास मैं जाऊँगा, आपको ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक सिस्टम चाहिए, इसके अलावा जैक के रिलेटेड चाहिए, इसके अलावा आपको पकड़ के रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए। ये अब लोग इम्पोर्ट करते हैं, जो प्राइस आपको यहाँ पर मिलती है आपको किसी भी ट्रैक्टर के रिलेटेड यहाँ से आपको मिलेगी। अभी हम लोग ऑनर की जानी चलते हैं, अली रजा साहब की जानी, और आपको दिखाते हैं, मेरे साथ जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह एहसान भाई, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताएं कि सर आपकी शॉप किधर और आप किस किस में डील करते हैं? हमारी शॉप है मुल्तान चुंगी नंबर 14 पर, 11 नंबर से 14 नंबर की तरफ लिंक रोड पर है, और हम हाइड्रोलिक के टोटल पार्ट जो है इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। जो के फ्रंट शावल बोलते हैं, ट्रैक्टर लोडर बोलते हैं, बकेट बोलते हैं, मल्टी मतलब। तो ये आप मुख्तलिफ मार्केट्स में सप्लाई करते हैं? जी बिल्कुल। तो रेट आपसे मुझे बहुत अच्छे मिलते हैं, मुझे ये मालूम होता है, इसलिए लाहौर से सफर मैंने यहाँ का किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम इम्पोर्ट करते हैं, इसलिए हम मार्केट को अचीव करके बैठे हुए हैं। कुछ जैक वगैरह इनके टोटल स्पेयर पार्ट पंप के सबके इनके स्पेयर पार्ट होते हैं हमारे पास, ठीक है। अभी हम लोग अंदर चलते हैं जी, आ जाए हमारे साथ और आपको दिखाते हैं। ये हम 9 पिस्टन पंप है, ये मेन हमारी हॉट सेल आइटम है जी। उसके बाद ये कंट्रोल वाल्व होते हैं, इनको ये सब जो है ना हम खुद अपना चाइना से, तुर्की से। और सर ये क्या काम करता है ये पंप? ये कंट्रोल वाल्व होता है, आगे दिखाइएगा। ये कंट्रोल वाल्व होता है, ये हमारा अपना ब्रांड है ARS, ठीक है, इसको हम चाइना से ये इंपोर्ट करते हैं। ये है। फ्रंट पे जो फ्रंट ब्लेड होता है मट्टी को मूविंग के लिए, उधर यूज होता है ये, ठीक है। तो ये हमें किस ब्रांड का और कहां से आता है ये आपके पास? ये हमारे पास चाइना का है, और ये बहुत अच्छा हमारा अपना ब्रांड है। तो कितने साल ये चल जाता है वैसे? ये लाइफ टाइम होता है, अगर कस्टमर इसको ऑयल वगैरह को अपने क्लीन एंड नीट रखे तो ये लाइफ टाइम ही होता है। तो ये रिटेल में कहां किस रेट में मिलता है, और आप तो इम्पोर्टर, आपके पास तो मुझे बहुत अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये रिटेल में 12,000-14,000 इतने का बिकता है, हम इसको बहुत मुनासिब रेटों पे 7,000-7,500 ऐसे सेल करते हैं। ठीक है, कम से कम लाइफ इसकी कितनी होती है? कम से कम लाइफ इसकी डजंट मैटर, ये इसमें मेन इसकी रीजन यही होती है, ऑयल को साफ रखेंगे लाइफ टाइम चलता रहता है। ओके, अच्छा इसके बाद? इसके बाद ये बैकू ट्रैक्टर के पीछे कंट्रोल वाल्व लगते हैं, ये उनकी बैकू की वाल्व्स हैं, ठीक है। बहुत हम अपना इंपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा चलता है, इसकी भी लाइफ बहुत अच्छी होती है, ठीक है। बहरहाल ये जो है ना ये चाइना का, इसमें ताइवान भी होता है हमारे पास फिलहाल वो इस टाइम। अभी आज के करंट रेट इसके क्या है? करंट रेट इसका 1,80,000 है, और वैसे बाहर से मुझे कितने का मिलेगा? बाहर से 2.5 लाख का मिलता है, 2,20,000 का फर्क है। जी जी बिल्कुल। अच्छा इसके अलावा और आप मुझे क्या, ये क्या ये बस के गियर है? ये भी उसी मल्टीपर्पज में यूज होता है। ओके, अच्छा इसके अलावा ये ऊपर, ये ऊपर सारे ये पंप है, ये मेड इन कुछ तुर्की के हैं, कुछ चाइना के, हाइड्रो टाइम के हैं, ये केजल के हैं। मेन हमारी जो है ना हॉट सेलिंग आइटम ये केजल कंपनी के माल हम सेल करते हैं, ये बहुत अच्छा है। तो ये पंप क्या काम करते हैं और कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ये ट्रैक्टर की बैक साइड पे लगता है, उसके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए यूज करते हैं। फ्रंट इससे 4 जैक होते हैं, वो अप एंड डाउन होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मतलब वो हमारा क्रॉस वगैरह जिसे कहते हैं यूनिवर्सल चलता है? ये यूनिवर्सल मल्टी चलता है, राइट लेफ्ट दोनों तरफ चलता है। इसमें टोटल हमारे पास प्रोडक्ट्स होती हैं, काफी तरह के मॉडल्स होते हैं। तो ये किस प्राइस से किस प्राइस तक जाता है? ये हमारे पास 45,000 से लेके 45,000 से लेके हमारे पास तकरीबन 2 लाख तक जाके टच करता है। अगर मुझे इसमें पुराने चाहिए, मेरी जेब इजाजत नहीं देती, तो क्या मैं पुराने में भी? इसमें हमारे पास पुराने भी होते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के, तकरीबन हमारे पास 20,000 से शुरू होकर, और जो है ना इसका लास्ट भी 70 तक जाता है। काबिली होते हैं ना आपके पास? जी बिल्कुल, ओरिजिनल हालत में। ये नया अगर ले रहे हो कितने का मिलता है ये आपके पास? ये अगर नया लेते हैं तो 1,35,000 का, इसमें अगर पुराना ये लेते हैं तो 20,000-35,000-25,000 मल्टी, मतलब जैसा माल हो। ये चलते सही है? जी बिल्कुल। आपके पास क्यों आ जाते हैं, कैसे? ये हम बाहर से लॉट वगैरह का माल उठाते हैं,
दुबई वगैरह से, उधर इनको थोड़ा सा लाइफ चली होती है उधर, okay, वो काबली जी। ओके, इसके अलावा सर? बस इसके अलावा ये कुछ इधर से भी लेते हैं जो अच्छी हालत आपको होती है। वारंटी भी देते हैं इसकी? वारंटी देते हैं, बिल्कुल देते हैं। चीज अच्छी हो तो वारंटी देते हैं, ना अच्छी हो तो क्या देते हैं, ये नहीं अच्छी। ओके, अच्छा, इसके अलावा और आपके पास किस क्या दिखाएं? इसके अलावा हमारे पास ये ट्रैक्टर के ये फ्रंट जक होते हैं, इसमें हर साइज मिलता है, ठीक है। उसमें जो है ना टोटल हमारे पास इनके स्पेयर पार्ट्स, इनके ओ रिंग्स, इनके सील्स वगैरह आती है, इनके पिस्टन कप ग्लैन वगैरह सब कुछ होता है। वो सामने आपके पड़े हैं बाकी। ये इसमें ये पड़े हैं कुछ हमारे वेयर हाउस में भी पड़े हैं, वो भी मैं आपको अभी विजिट करवाऊंगा जी। तो ये हमारे पास छोटे, उसके बाद ये जैक होते हैं, ये सर जैक बना के हम बनाते भी हैं। ये जो लोडर लोग ट्रालियां वगैरह के लिए यूज करते हैं या क्रा के लिए जो फ्रंट पे यूज करते हैं, ये वाले जैक हैं? ये फ्रंट ब्लेड पे यूज होते हैं। ठीक है, तो ये किस रेट पे हमें मिलते हैं? ये मुख्तलिफ ये साइज के हिसाब से होते हैं, ये भी तकरीबन 14,000 की जोड़ी होती है, बाजार से आपको 22,000 और 24,000 ऐसे मल्टी मिलते हैं। सुना मैंने बदामी बाग भी लाहौर माल देते हैं। हम लाहौर में माल देते हैं, मिश्री शाह में देते हैं, गुजरांवाला में अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं, इसकी मेन मंडी गुजरांवाला, उधर भी हमारा माल जाता है। ओके, इसके अलावा सर इसकी गारंटी क्या होती है और इनकी चलता सही है? इनकी गारंटी होती है, जो गारंटी वाला माल होता है वही हम सेल करते हैं, अदरवाइज गारंटी वाला माल हम सेल नहीं करते। ये किधर का है? ये इधर ये पाइप इसका चाइना से हम खुद इम्पोर्ट करते हैं, शाफ्ट इम्पोर्ट करते हैं, इधर भी खुद इनको। ट्रैक्टर के आगे हमने क्रा डाला तो प्रेशर क्यों कम हो जाता फिर उसका? वो अगर पंप आपका खराब है, कंट्रोल वाल्व खराब है, तो हम इसको जो है ना चेंज करने बनता है इसका। ओके, अच्छा, इसके अलावा मतलब यहाँ पे तो हमें फिर 50% तक कीमतें मिल रही हैं आपसे अगर देखा जाए? मिनिमम 40-50 इतना चल रहा है फर्क। अच्छा, इसके बाद पाइप वगैरह हाइड्रोलिक पाइप लगते हैं, ये चाइना से हम खुद इंपोर्ट करते हैं जी। छोटी बड़ी फिटिंग इसकी सारी होती है हमारे पास, ठीक है। ये इसको आप देख सकते हैं, ये तकरीबन टोटल हमारे पास होती है। जो मट्टी की ट्रालियां वगैरह या उनके लिए ये स्पेशल आपके पास चीजें होती हैं ऐसे? ये जो बिल्कुल ऐसा। इसके अलावा हमारे पास आपको इनकी सारी फिटिंग वगैरह, इसके अलावा हमारे पास हाइड्रोलिक पीयू की सील्स होती हैं, ये जो पंप वगैरह जो आपको दिखाए हमने उनके टोटल हमारे पास ये बैरिंग होते हैं, एक्स्ट्रा सामान होता है जो कि बाजार से कस्टमर को नहीं मिलता और बहुत डिस्टर्ब होता है क्योंकि बास टाइम नहीं इंसान खरीद सकता, तो उसके लिए हम ये उसके उनको ये ऑफर करते हैं। ये पुलियां वो बैक साइड पे जो लगी होती है इसके अंदर, वो ट्रैक्टर का ट्यूब चला, ये उसके लिए है, पंप की शाफ्ट्स हैं, बैरिंग्स हैं, अंदर का स्पेयर पार्ट्स टोटल अवेलेबल है और ओरिजिनल मेड इन तुर्की का है। ओके, अच्छा, इसके बाद सर क्या मुझे दिखाएंगे? इसके बाद ये हमारे पास टोटल हाइड्रोलिक पाइप्स होते हैं, इनकी फिटिंग होती है सारी, आपको फिटिंग मैं बता चुका हूँ, ये भी हम बाजार से बहुत कम। ये क्या काम करती है जी? ये जो उसको सप्लाई देनी होती है जैक को, कंट्रोल से सबको एक दूसरे से कनेक्टेड करने के लिए जॉइंट पाइप होस पाइप होता है, ठीक है। तो ये कितने की लाइफ इसकी होती है, कितना टाइम चल जाती है? इसकी भी लाइफ बहुत अच्छी होती है क्योंकि हम माली इसको अच्छा सेल करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वालिटीज भी आती हैं या? क्वालिटीज इसमें जो सबसे हाई क्वालिटी होती है ना, हम वही डील करते हैं, ठीक है। नॉर्मल हम नहीं डील करते, बाकी बाजार से जो है ना बहुत अच्छा सामान होता है हमारे पास। अच्छा, मुझे बताएं कि सर इम्पोर्टर से, आप इम्पोर्टर है, आपसे माल लेने से मुझे कितना सस्ता मिलेगा मार्केट के नस्बत? देखिए, मार्केट में जो एंड यूजर मार्केट में घूमता है, कुछ दुकानदारों ने भी माल की प्रॉफिट रखनी होती है, उससे हमारा जो है ना डिफरेंस तकरीबन एंड यूजर को 40% से फर्क पड़ जाता है। ओके, अच्छा। इसके अलावा ये हम फाले वगैरह डील करते हैं, ये बाजार से बहुत अच्छे होते हैं और वजनी होते हैं। ये फाले कहाँ यूज होते हैं? ये आगे फ्रंट बकेट पे यूज खुदाई करने के लिए, जो नॉर्मल लोग उनके आगे वेल्ड कर लेते हैं, ये बहुत अच्छा। तो ये फाले क्या रेट जाते हैं सर? ये हमारा सेट का रेट होता है, मतलब कस्टमर जैसे भी आता है वो फिर उस हिसाब से मार्केट से बहुत जो है ना चीप प्राइस होती है हमारी। ये चक नट वगैरह, ये ट्राली के, ये भी हम डील करते हैं। ये किस रेट पे? यूज क्वांटिटी में ये हम बाजार से आपको ये 500 का मिलता है, ये आपको इधर से आपको अल्लाह आपका भला करे मुख्तलिफ साइज है, ये छोटे कोई 100 का, कोई 50 का, कोई 200 का, ऐसे भी मिल जाता है। ये सर क्या चीज है? ये भी ट्रैक्टर के आगे लोडर के लिए यूज होते हैं, फाले। हाँ जी, फाले, ठीक है। इसके अलावा ये सारी चीजें? हाँ जी, इसके अलावा ये पाइप जो मार्केट के हिसाब से सस्ता माल जो मांगते हैं उनके लिए भी हमने तैयार करके रखा हुआ, ठीक। ये लोकल यहाँ पाकिस्तान का या बाहर का? ये भी ये होता है चाइना का, फिटिंग वगैरह हम इसको इधर खुद ही पंच करते हैं, ठीक है। तो ये सर किस रेट में आता है? ये मुख्तलिफ जो है ना, ये भी बहुत मुनासिब से रेट जो होता है। तो ये फाले में मेरे ख्याल में अगर अब हमने ट्रैक्टर सर उसमें लेके जाना है लोडर बनाने के लिए, तो वो आपके पास कितने का बन जाएगा? अगर नया मतलब मेरा दिल बना कि यार मैं बनाऊं उसको, तो यहाँ पे कितने का बनता है ये? अगर मार्केट से आपको जो बकेट मिलता है ना 10 लाख रुपए में, हमसे वो आपको मिनिमम जो है ना रेट 7 लाख 7.5 लाख में मिल जाता है। अच्छा, इतना फर्क है? इतना फर्क हो जाता है। चीजें भी एक नंबर, चीजें भी अच्छी डालते हैं। आपके पास जितने एरिया डेरा गाजी खान सारे लोग यहीं पे आके खरीदारी करते हैं? इधर जनूबी पंजाब में टोटल तकरीबन, और लाहौर गुजरांवाला इधर उधर सारा तकरीबन माल मारा जाता है। अच्छा, यहाँ पे सर क्या है आपके पास? इधर हमारे पास ये देखें जैक का टोटल सामान होता है, ये न्यू
न्यू जैक होते हैं हमारे पास, इनको हम रिपेयरिंग शिपेयरिंग भी करते हैं, जो भी इनकी सीलें वगैरह डलनी होती हैं सीलें भी हमारे पास एक्स्ट्रा होती हैं, इनके एक्स्ट्रा पाइप होते हैं, इनके रॉड होते हैं, वो हम चाइना से खुद इंपोर्ट करते हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर मेरा कुछ जैक खराब हो जाता है मुझे रिपेयर कर देंगे? जी बिल्कुल। कितने टाइम में करके देते हैं आपको? इंशाल्लाह विद इन 20 मिनट्स में आपको जैक रिपेयर कर देंगे। आप चेक कर सकते हैं, बेतहाशा क्वांटिटी आपको पुराने जैक भी मिल जाते हैं? पुराने भी मिल जाते हैं। किस रेंज में वैसे आते हैं ये? रेंज इनकी हैवी होती है, लेकिन हमने खुद इनको इंपोर्ट करके सेल करना होता है, माल को कटिंग करनी होती है। ओके, अच्छा, इसके अलावा मुझे अगर इनके पार्ट्स वगैरह चाहिए या पाइप चाहिए? ये जैक के टोटल स्लीव वगैरह होते हैं और इनके टोटल ये राड वगैरह भी टोटल हमारे पास होते हैं हर साइज में। ये दिखाइए जी, इसके टोटल जैक के रॉड भी आपको मिल जाते हैं। ये किस मटेरियल पे है? एक्सीवेटर के होते हैं। ये देखें, इस पे ये मारेंगे इसको असर नहीं होगा। ये हमारे पास बिल्कुल ऐसे A1 A क्लास होते हैं। ओके, इसके अलावा ये क्या चीजें हैं? ये पंप वगैरह जो कस्टमर नहीं अफोर्ड कर सकते उनको हम जो है ना रिपेयर कर देते हैं। ठीक है, इनके टोटल पार्ट्स हम मिल जाते हैं हमारे पास। इनके टोटल पार्ट्स हमने ओरिजिनल डालने होते हैं, जिसकी आपको मैं दिखाऊंगा। अगर हमारे पास फिनिश हो गया तो हमने नए पंप को खोल कर इनको सेल किया हुआ है। इनके अंदर बैरिंग्स वगैरह अच्छी क्वालिटी के डालकर हम सेल करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास टोटल इनका जो है ना नया माल, ये आपको पैकिंग में नजर आ रहे होंगे, ये केजल के हम ज्यादा काम करते हैं, HVD मैसगेट सारे पंप हम डील करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और बाकी कोई भी चीज़ हमें चाहिए पंप के रिलेटेड आपसे मिलेगी? जी सब कुछ, स्पेयर पार्ट मिलेगा, ये आपको ये केजल के पार्ट्स भी मिलेंगे, ये कंट्रोल वाल्व सारे आपको मिल जाएंगे, हर तरह के, तुर्की के हैं, चाइना के हैं, ताइवान के हैं, इनके आपको मिल जाएंगे हमारे। ठीक है, अच्छा अब सर मुझे बताएंगे अगर कोई यहाँ पे आना चाह रहा है एड्रेस क्या और खरीदारी का तरीका क्या? आप आएंगे मुल्तान चुंगी नंबर 14 पर नजर नियर क्लॉथ मार्केट में आएंगे, क्लॉथ मार्केट आप किसी से भी पूछ सकते हैं, हाफिज मोहम्मद सलीम ट्रेडर्स, तो आपको आराम से पहुंचा देंगे। आपका नंबर क्या है? 03223221512 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, तो सर आप प्यार मोहब्बत स्पेशल करेंगे किसानों के साथ, क्योंकि आपको पता वो हमारे रीढ़ की हड्डी है। हम करते ही प्यार है, प्यार के अलावा हम काम कोई नहीं करते, प्यार इज हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी। काम भी करा करो, काम भी करेंगे इंशाल्लाह। तो रेट भी आपने अच्छे देने हैं, स्पेशल प्यार ही करते हैं। नहीं नहीं, प्यार भी करेंगे, रेट भी अच्छे देंगे। चले, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपने बहुत कीमती टाइम दिया जी। ये नॉर्मल लोग इस तरह के जो वीडियो नहीं बनवाते हैं, क्योंकि ये ट्रैक्टर इनको यानी चाहते हैं कि हमारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आएँ, लेकिन हमारी कोशिश होती है इनकी मिन्नत समाजत करके जो चीज़ें यहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते तो कम से कम इनकी आवाज़, इनका चेहरा आप तक पहुँचे। अगर आप KP से हैं, बलोचिस्तान से हैं, अगर आपको इसके अलावा जितने भी जनूबी पंजाब के एरिया में ये चीज़ें ज़्यादा ट्रैक्टर चलते हैं उसके अकॉर्डिंग इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है, तो आप यहाँ पर विज़िट भी कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में अगर आप इनको ऑर्डर देते हैं, ये आपको भेज भी देंगे। बाकी चेक करें, तसल्ली करें, उसके बाद इसका इंतखाब करें। मुल्तान से ये मुझे एक अच्छी वीडियो लगी थी, क्योंकि ये इंपोर्टर है, इनके पास रेट मुझे अच्छे लगे थे, इसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको दिखा दिया। और भी चीज़ें दिखाऊंगा, अपना चैनल सब्सक्राइब भी करें। दीजिए मुल्तान से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।